नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है। अखिलेश ने विवादित बयानों को लेकर नाराजगी जताई है और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, अपने भाषणों सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं कई नेता। कल सपा ने करवाया था महाब्राह्मण समाज पंचायत, साथ ही आपको बता दें कि इस समय सपा हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। महाब्राह्मण समाज पंचायत में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात रखी और इसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानबाजी के चलते बैठक में बात रखी गई थी, प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव के सामने अपनी बात रखी। सीमा नकवी हमारे संवाददाता तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, जिस तरीके से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कई बार अखिलेश यादव भी कई बार सवालों के घेरे में आए कि आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जब कल महाब्राह्मण पंचायत हुई, उसमें जब स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उछला, उसके बाद से उन्होंने जरूर नाराजगी जताई है। देखिए, कल जो है वो महाब्राह्मण महापंचायत का कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और अखिलेश यादव के साथ कई महाब्राह्मण मौजूद थे, जिनको महापात्रा भी कहते हैं, वो लोग मौजूद थे और उन्होंने तमाम अपनी मांगों को रखा था और अपनी बातें रखी थी। उस दौरान कई लोगों ने इस बात पर एतराज जताया था कि महाब्राह्मण तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के कई लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी करते हैं उसके चलते कहीं ना कहीं लोग समाजवादी पार्टी से दूर भाग रहे हैं, जो जुड़ नहीं रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने उन लोगों को आश्वासन दिया है और ये कहा है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाने का काम करेंगे कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि आए दिन ये देखा गया, ये मुद्दा रामचरितमानस से शुरू हुआ था। भारत समाचार ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, उसकी कुछ चौपाइयां थी, उनको बाद में कहने लगे कि इनको प्रतिबंधित किया जाए। उसमें से जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा और झूठ ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये जो जितनी चौपाइयां थी, कहते थे ये चौपाइयां कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, जो शूद्र हैं, उनको अपमानित करने के लिए जो है वो तुलसीदास ने लिखी हैं, तो उनको प्रतिबंधित करने की मांग की पहले। उसके बाद फिर उन्होंने गणेश जी पर जो है वो बयान दिया और साथ ही साथ कई और उनके बयानात आए। इसी तरह से जब दीपावली हुई तो माँ लक्ष्मी पर उन्होंने एक बयान दिया, अपनी पत्नी की पूजा की और कहा कि आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जिसके 6 हाथ रहे हों, 4 हाथ रहे हों, 8 हाथ रहे हों। तो वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं जिसका लंबे समय से विरोध होता रहा है। वो सीधे सीधे बौद्ध की बात करते हैं, लेकिन अब जब कल इस तरह की सभा हुई है, महाब्राह्मण महापंचायत हुई थी, तो उसमें तमाम ब्राह्मणों ने इस बात से नाराजगी जताई थी अखिलेश यादव से कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात की हिदायत देंगे, इस बात की नसीहत करेंगे कि वो दोबारा से इस तरह की बयानबाजी न करें, और यही वजह है कि उन्होंने चेतावनी जो है वो दी है कि स्वामी प्रसाद अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, तो आने वाले समय में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा है, उन्होंने कहा कि धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच राजनीतिक संग्राम